नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, आज का जो बड़ी अपडेट आई हुई है झारखंड जेएसएससी और जेपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, वो इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को मैं बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज की मैं तारीख की बात करूं मैं तो आज तारीख है 16/12/2022 और आज की जो अपडेट आई हुई है जो हाईकोर्ट की तरफ से आई हुई है, वो सभी स्टूडेंट्स जो झारखंड जेएसएससी और जेपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो इसकी एग्जामें अभी ख़त्म हो चुकी है झारखंड एसएससी की। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से। झारखंड हाईकोर्ट ने जो भी नियोजन नीति जो बनाई हुई थी हमारे वर्तमान में सीएम हेमंत सोरेन ने, उसी की नियोजन नीति को खारिज कर दिया है झारखंड हाईकोर्ट ने। उसी पे ये वीडियो सारी मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। जैसे आपको मालूम होगा कि आज नियोजन नीति का बहस हुआ हमारे हाईकोर्ट में और आज क्या निर्णय हुआ, सारी डिटेल्स मैं आपको एक करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, हाईकोर्ट ने रद्द किया 2021 की नियोजन नीति और 10वीं 12वीं में झारखंड से पास की बाध्यता भी खत्म कर दिया। सिकुल नियोजन नीति में बनाया गया था कि 10वीं और 12वीं झारखंड से ही पास होना चाहिए, इसकी बात था झारखंड हाईकोर्ट ने एकदम बिल्कुल समाप्त कर दिया है दोस्तों। और नीचे क्या लिखता है सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाले दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी फैसला सुना दी है। फैसला क्या सुनाई है और दलीलों सुनने के बाद नियोजन नीति पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा 2021 में पारित जेएसएससी रूल्स संशोधन को रद्द कर दिया है, यानी कि जो भी नियोजन नीति बना हुआ था झारखंड हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। इसके साथ ही रमेश हांसदा की ओर से दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार किया है और झारखंड हाईकोर्ट में 3 बहुत ही न्यायाधीश जो बृहद हैं पीठ, उनको फैसला सुनाते हुए क्या कहा है कि बृहद पीठ फैसला सुनाने के हाईकोर्ट ने आदेश के बाद यह जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा जीत दी गई है और जितने भी नियुक्ति अभी तक हुई है या फिर होने वाली है सब पर बाधित होगी और 10वीं 12वीं की पढ़ाई पर भी अभी तक रोक लगा दिया गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो बोला गया था कि नहीं 10वीं 12वीं आपको झारखंड से ही होना चाहिए, वो इसको निरस्त कर दिया है दोस्तों। और दूसरी बात, अभी क्या होगा जो एग्ज़ाम अभी जैसे PGDET और झारखंड सीजल की एग्ज़ाम होने वाली थी तो इसे अभी कुछ दिन के लिए रोक लगा दिया गया है और इसे अभी आपको 1-2 दिन में इसकी याचिका टोटल चीज़ आपकी इसकी हार्ड कॉपी आप सबों को मैं दिखाऊंगा जिसे आ जाएगा 1-2 दिन में। और क्या होने वाली है, जितने भी एग्जामिनेशंस हो गई है अभी तक जब जो भी चल रही है, जैसे अभी स्टेनोग्राफर की चल रही है और इंजीनियर वाली ख़त्म हो चुकी है, इस पर क्या होने वाला है सारे एक बल्स आ जाने दो, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के में बता दूंगा अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, तो इतना भी जान जाइए जो भी आपका संशोधन हुआ था नियमावली उसको रद्द कर दिया गया है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से और अभी फिर से इस पर एक नया रूल निकलेगा और फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको डिटेल्स में उस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।